Tanishq presents Utsaha, 20% off on gold making charges and on value of diamond jewelry. Tanishq India Motor Circle Ajmer wishes you and your family a very happy, healthy and prosperous Diwali. देखिए, बचाव का तो इकलौता तरीका यह है कि हमें मच्छरों से बचना चाहिए। डेंगू जो है एक से दूसरे को होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन मच्छर अगर किसी डेंगू पीड़ित को काटता है, फिर दोबारा किसी नॉर्मल आदमी को काटता है, तो उससे डेंगू हो सकता है। इसमें जो वेक्टर है, जिसको हम कहते हैं वाहक, वो है मच्छर। हमें हर हालत में मच्छरों से बचना चाहिए। मच्छरों से बचने के दो तरीके हैं। पहला तो मच्छर पनपे ही नहीं। मच्छर कहाँ पनपते हैं? डम जो डैम्प एटमोसफियर है, जो नमी वाला वातावरण है, वहाँ मच्छर पनपते हैं। तो ऐसा वातावरण हमें कम से कम रखना चाहिए अपने घर के आसपास। और दूसरी बात, अगर मच्छर हों भी तो हमें काटे नहीं, तो उसके लिए हमेशा हम पूरी वहाँ की शर्ट और पूरे लंबा पैंट पहनना चाहिए, जिससे कि शरीर का कम से कम हिस्सा जो है वो खुला हुआ रहे। ऐसे स्थिति में हमें, अगर मान लीजिए फिर भी कुछ है, व्यवस्था नहीं है, तो हमें मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो आते हैं, जो तरह तरह के बाज़ार में आजकल अवेलेबल हैं, वो यूज़ करने चाहिए, जिससे कि मच्छर अगर हमारे आसपास हों तो वो अलग कोने में हो जाएँ या मर जाएँ, तो उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ये तो बचाव का तरीका है। और डेंगू होने के बाद क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें हमेशा चिकित्सक की परामर्श से ही दवा लेनी चाहिए। मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि मरीज अपनी मर्जी से दवाइयाँ खाते हैं, आसपास के लोगों से पूछ के दवाइयाँ खाते हैं, केमिस्ट से बिना पूछे दवाइयाँ लेकर वो खाते हैं, वो गलत है, वो घातक भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है उसका। तो हमेशा चिकित्सक के परामर्श में रहें, पहली बात। दूसरी बात, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। डेंगू होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। डेंगू के जो दूसरे जिसके कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, वो थोड़ी डरने वाली बात है। सामान्यतः डेंगू किसी भी वायरल फीवर जैसा होता है और 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, चाहे आप कोई दवा खाएं या ना खाएं। डेंगू से बुखार जो होता है, बुखार को तोड़ने के लिए पैरासीटामोल की गोली ज़रूरी है, वो लेनी चाहिए अगर आपको तेज़ बुखार है तो। और बुखार होने के बाद अगर बुखार है तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी या पीने की चीज़ें प्रयोग में लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू में जो है कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। हम प्लेटलेट की चिंता करते हैं, प्लेटलेट को लेकर इतना डरने की जरूरत नहीं है। शरीर में अमूमन 2.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट प्रति क्यूबिक मिलीलीटर होती है। डेंगू के मरीज में प्लेटलेट की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कहता है 10,000-15,000 तक भी अगर प्लेटलेट आती हैं तो मरीज को कोई नुकसान नहीं होता है। अमूमन नुकसान होता है वो अलग, अगर है कुछ तकलीफ तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन अमूमन 10-15 हज़ार प्लेटलेट तक भी कोई नुकसान हमने नहीं देखा है। 10,000 से कम हो जाती हैं तो हम प्लेटलेट चढ़ाने की सलाह देते हैं। रूटीन में प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, कतई डरने की जरूरत नहीं। बहुत डर जाते हैं लोग कि सब कल 1.40 थी, आज 1.25 रहेगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय से बढ़ भी जाती है, तुरंत बढ़ती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। मैंने ये देखा कि लोग क्या पपीते के पत्ते का जूस निकाल के पी रहे हैं, बकरी का दूध, फलाना ढिकाना, इन सब का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है।